हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटे बच्चों का स्लाइड कट लेकर आई हूँ। किस तरीके से स्लाइड कट करते हैं छोटे बच्चों का, मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। आप विदाउट हेयर कट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक मैं मेंशन की हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनल हेयर कटिंग का लुक आप देख चुके हैं। सो इस कटिंग को सीखने के लिए स्टेप को फॉलो करें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ से अब हम कटिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कटिंग सीट अप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, इनकी हेयर ऑयल फ्री है, तो मैं नीट एंड क्लीन वाटर से हेयर को हल्की सी गीली कर लूँगी, उसके बाद ही हेयर कट स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर स्टेप बाय स्टेप ये स्लाइड कट आपको सीखनी है तो वीडियो को फुल वॉच करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा ब्यूटीशियन में देखा जाए तो कटिंग की वीडियो है। कटिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हेयर को अच्छी तरीके से डिटेंगल कर लें। टेंगल फ्री बालों पर ही कटिंग अच्छे से हो पाती है। सो स्लाइड कट के लिए सबसे पहले हम अच्छी तरीके से सेक्शन बना लेंगे। सेक्शन हमारे एयर टू एयर होने चाहिए। आप इस कटिंग को बड़ी गर्ल्स के ऊपर भी दे सकते हैं, ये तो बहुत ही छोटी है, तो मैं इनके एयर टू एयर स्लाइड कट दूंगी। तो जिस तरीके से हम लेफ्ट में बनाए थे उसी तरीके से राइट भी सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन क्लिप की हेल्प से हेयर को सिक्योर भी कर लेंगे, क्योंकि कभी भी हेयर कटिंग हम करते हैं तो बैक से ही स्टार्ट करते हैं। हेयर कटिंग स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरीके से हेयर को सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद ही हेयर कटिंग स्टार्ट करते हैं। हेयर कटिंग आप अगर सीखना स्टार्ट किए हैं तो बेसिक हेयर कटिंग इसे ही बोला जाता है कि स्टेप जितनी बारीकी से आप बनाए हैं उतना ही अच्छा हेयर कटिंग आपका हो पाएगा। सो फ्रेंड, बेसिक हेयर कट में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि आप अच्छे तरीके से हेयर को डिटेंगल करने के बाद आप सेक्शन क्लिप की हेल्प से जितने भी सेक्शन आप बनाए हैं अच्छे से सिक्योर कर लें। कुछ इस तरीके की फर्स्ट स्टेप हम कट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप को कट करने के लिए नेफ एरिया से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेफ एरिया से स्टार्ट हेयर कटिंग इसलिए करते हैं हम कि लेंथ मेंटेन रहेगा और प्लस जिसकी जैसी प्रैक्टिस होती है उस तरीके से हेयर कटिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सब हेयर कट है कि बैक से ही स्टार्ट होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इनकी 2 से 2.5 इंच की लेंथ को कम किए हैं। यही लेंथ मेंटेन रहेगा और यही लेंथ के अकॉर्डिंग हम हेयर को कट करेंगे। जैसे जैसे हेयर को कट करते जाएंगे ऊपर से सेक्शन हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें सेक्शन में कट करना होता है। अगर आप किसी को सिखा रहे हो, आप सामने से स्टूडेंट को सिखा रहे हो या फिर ऑनलाइन कोर्स बता रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइम देके बताना पड़ता है। सो फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऊपर वाले सेक्शन से थोड़े थोड़े हेयर को खोले हैं और इस तरीके से कट करेंगे। दोनों साइड की हेयर को हम इक्वल सेक्शन से निकाले हैं और इस तरीके से फिर से सेक्शन को सिक्वायर कर दिए थे। तो वीडियो लंबी होने के कारण थोड़े सी हम इसमें कट किए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्राउन सेक्शन का हेयर को अच्छी तरीके से खोलने के बाद जो लंबे वाले हेयर हैं उसे हम 1 mm छोड़ के मिला देंगे। कटिंग लंबे हेयर पे करें या फिर शॉर्ट हेयर पे करें, शॉर्ट हेयर वाली कटिंग जो होती है कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो हमारे कॉम्ब में ही आके अटकते हैं। तो इस तरीके से हम सेक्शन क्लिप की हेल्प से इसे सिक्योर करके रखते हैं, ताकि जो भी हेयर पे हम काम कर रहे हैं वहाँ डिस्टर्ब ना हो और काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। छोटे छोटे टिप्स हम लेते जा रहे हैं और हेयर को कट करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से अगर हेयर कट करेंगे छोटे बच्चों का तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा और समय भी कम लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हेयर को कट करते जाएं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से।
सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो बहुत तरीके से इस हेयर को कट कर सकते हैं। बाकी जो मेन बेसिक होता है, अगर आप आगे भी कटिंग करना चाहेंगे या फिर अच्छे तरीके से बेसिक मजबूत होना है आपको कटिंग में, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें। अगर थोड़ी सी समय आपको ज़्यादा भी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे तरीके से कटिंग सीख पाओगे। बहुत ऐसे कटिंग हम देखे हैं कि सारे हेयर को शोल्डर पे रखने के बाद एक ही बार में सारे हेयर को कट कर रहे हैं, तो उस कटिंग में हेयर ऊंचे नीचे रह जाते हैं और स्टेप भी दिखाई नहीं देता है। ये हेयर को अगर आप सेट नहीं भी करेंगे तो भी बहुत अच्छी तरीके से ये स्टेप दिखेगा। तो अब हम जो एयर टू एयर वाले सेक्शन अलग से सिक्वायर किए थे उसमें अब हम स्टेप देने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो हम बीच की जो मांग निकाले थे वहाँ से दोनों साइड के हेयर लिए हैं और हम इक्वल कट कर दिए हैं नोज के लेवल पे। तो हमें शॉर्ट कितना करना है और किस तरीके से हम बैक से लेंथ रखे हैं उसके हिसाब से मेंटेन करने के बाद हम इसको कट किए हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी हम अभी गाइडलाइन बनाए हैं इस हेयर पे उसी को फॉलो करके हम पूरे हेयर को कट करेंगे। एयर टू एयर स्लाइड कट इसी तरीके से बेबी को किया जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं। तो आप स्कूल गर्ल को इस तरीके से कटिंग दे सकते हैं, काफ़ी प्रीटी लगता है ये और काफ़ी ज़्यादा ये बाउंसिंग भी दिखता है आप हल्के से ब्लू ड्रायर कर दें तो। तो कटिंग अगर आपको सही से नहीं आ रही है, आप इस तरीके से कटिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सीख मिलने वाली है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही हेयर कट बताती हूँ। थोड़ी सी इसमें ये होती है कि छोटे बच्चों का जब हम हेयर कट कर रहे हैं तो हमारे आगे से बहुत ही शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि हमें स्लाइड कट में जो हम स्टेप फर्स्ट में लिए थे बस उसी को फॉलो करना है। अच्छे तरीके से कॉम से हेयर को डिटेंगल करके ही सीजर को चलाना है। बहुत ही तिरछी तिरछी चला सकते हैं आप। एक साइड की हमारी हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड से इसको कट करेंगे। तो जिस तरीके से हम राइट वाले किए थे उसी तरीके से हम लेफ्ट वाले भी करेंगे। यही इसमें खासियत होता है कि आप एक साइड से, अगर प्रैक्टिस है आपकी अच्छी तो एक साइड से भी कर सकते हैं, जिसकी जैसी प्रैक्टिस होती है उस तरीके से की। सो फ्रेंड्स, आपको कटिंग करते समय ये ध्यान देना होगा कि आप जितनी छोटी स्टेप पे कट कर रहे हैं उतना ही अच्छा नीट एंड क्लीन होगा और आपका स्टेप आएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे छोटे स्टेप हम ले रहे हैं और उसे जिस तरीके से गाइडलाइन लिए थे उसी के साथ फॉलो कर रहे हैं, बस सिर्फ हमें मैच करना होता है। छोटी छोटी बच्ची का यही सारा कटिंग हो पाता है और अच्छा भी दिखता है वो। अगर आप स्टेप में रखना चाहते हैं अपने बच्चों का हेयर कट तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। सो फ्रेंड्स, लगभग हमारा कटिंग पूरा हो चुका है, अब हम इसे अच्छी तरीके से सेट करेंगे। तो ये हमारा है लास्ट जो हम रीचेक कर रहे हैं। रीचेक करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि रीचेक जब भी हेयर कटिंग आप करते हैं तो रीचेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और ख़ासकर छोटे बच्चों का, क्योंकि बड़े लोग का तो थोड़ी सी बाउंसिंग में दिखती है तो नहीं पता चलेगी, बट छोटे बच्चों का जो लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो थोड़ी सी भी इधर उधर की हेयर रह जाएगी तो वो अलग दिखाई देगी क्योंकि शोल्डर लेंथ ही बच्चों की होती है और इस लेंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ी सी बच्ची टाइम लग जाता है हेयर कटिंग करने में, बच्ची छोटी छोटी बच्ची का, क्योंकि ये सारे जो गर्दन इधर उधर मूव करते रहते हैं उसमें हमें थोड़ी परेशानी होती है और प्लस टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से भी कहीं से दिख रहा है तो उसे हम रीचेक कर रहे हैं। जो भी इधर उधर के शॉर्ट बाल दिख रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो उसे हम मैच कर रहे हैं। तो हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब आप इनका फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा बाउंसिंग आया है और स्टेप जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो आई है। तो इसको आप किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं क्योंकि ये स्लाइड कट है तो दोनों साइड ये राइट लेफ्ट किसी भी तरीके की ये सेंटर मांग निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये हेयर कटिंग? अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।